एक घंटा हो गया हमें यहाँ ही खड़े खड़े हुए, यार लिफ्ट नहीं मिली यार। गाइस हम अम्बाला यहाँ पे आ चुके हैं, अम्बाला हाईवे रोड पे आ चुके हैं। तो भाई ने हमें 150 किलोमीटर मतलब लिफ्ट दिया था और यहाँ पे आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ से हम लिफ्ट ले रहे हैं तो यहाँ पे लिफ्ट नहीं मिल रही है, वेट कर रहा हूँ। और हमने स्पेशली कि भाई यहाँ पे चार्ट सा बना रखा है चंडीगढ़ लिफ्ट और स्माइलिंग छोड़ दी है। और पीछे हम जब वहाँ से आ रहे थे सोनीपत, कहाँ से सोनीपत से, सोनीपत से आ रहे थे, तो मैंने हमने सोचा कि ये लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, इससे ये होगा कि लोगों को भी पता चल जाएगा ये बंदे पानीपत जा रहे हैं, यहाँ पे लिफ्ट लिखा है और यहाँ पानी तो यहाँ स्माइलिंग कर रहा है। इससे ये भी होता है यार, बार बार कितनी बार बोलोगे रोकोगे तो उससे पता चल जाएगा लोगों को कि भाई हम भाई ये बंदा पानीपत जाने चाहता है, ठीक है। तो जो चाहे वो जो जिसका मन है वो रोक सकता है, हमें दे सकता है लिफ्ट, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बंदों ने रोका, उनसे बात करी, कोई और कहीं जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अब देखते हैं कि हमें चंडीगढ़ के लिए मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। चले गए, कोई दिक्कत नहीं, गए तो हम दूसरे पे देख के ट्राई करते हैं। क्या करें यार, ये भाई मिलने क्या करें भाई, वेट कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं, वेट के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। पीछे बैठा ली टेम्पो भाई, अब क्या करें, यहाँ पे वेट करना पड़ेगा बहुत, मिल नहीं रही यहाँ पे, कोई गाड़ी रोक ही नहीं रहा। देखते हैं अब ये टेम्पो का आ रहा है, देखते हैं ले जगह जगह ही नहीं है। धूप हो रही है, कभी कभी ठंडा मौसम भी हो जाता है बारिश जैसा, और कभी कभी एकदम से धूप भी हो जाती है। बारिश हो रही थी और गाइस यहाँ पे इतनी धूप थी, कड़क धूप ना, दिल्ली में तो अलग ही मौसम था, हल्का वहाँ तो ठंडा गर्म है पूरा ही मौसम है, और यहाँ का मौसम देखोगे ऊपर नीचे धूप आ रही है, कभी जा रही है। लगता है मुझे बैग उतारना पड़ेगा भाई, तो फट के हाथ में आ जाएगी धीरे धीरे। एक घंटा हो गया हमें यहाँ ही खड़े खड़े हुए, यार लिफ्ट नहीं मिली यार। देखते हैं टेम्पो आ रहा है, रोकता है, ट्रक आ रहा है भाई, कोई भी हो गया मैं तो लिफ्ट चाहिए बस। जब बात कर ले, छोड़ दो चंडीगढ़ तक, हमारा चंडीगढ़ छोड़ दो। टेम्पो आ गया, टेम्पो आ गया, बस आ गई, बस आ गई, नहीं तो बस रोक लेगा। मैं वेट कर रहा था, अब आर्यन भाई इसको लेके खड़े होंगे। 2 hours later बस फाइनली हम अम्बाला पहुंचने वाले हैं, मतलब पहुंच ही गए हैं, और ये हाईवे रोड पे हम खड़े हैं। आर्यन भाई थोड़ा लिफ्ट ले रहे हैं, हम भी पहुंच रहे हैं, तो बहुत लोगों ने हमें लिफ्ट भी दिया और हम भी खड़े हैं यहाँ पे। आप देख रहे पूरा हमारा सेट फ्लैग है, फ्लैग देख के तो और भी लोग ज़्यादा रुक रहे हैं, पता नहीं क्यों रुक रहे हैं भाई, इंडिया का फ्लैग है तो रुकेंगे नहीं जी। और बहुत सारे ऐसे मतलब जितने भी ट्रैवल बंदे थे, नए नए लोग थे, कोई आ रहा है केरला से आ रहा है, ठीक है, कोई कोलकाता से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, मतलब बाइकर, तो बाइकर आ रहे हैं। मुझे बैठे थे वहाँ पे, तो एक्चुअली उस टाइम मेरा दिमाग नहीं रहा मतलब वीडियो शूट करने का, तो मैं उनसे मीटअप किया, उनसे बातचीत करी, ठीक है, तो अच्छा भी लगा। अभी अब देखते हैं, थोड़ा वेट करें हमें कोई लिफ्ट मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। आगे मिलना तो चाहिए, क्योंकि अब इतना देर तक इतना दूर जो मतलब लिफ्ट ले गए हैं, तो आगे क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा गाइस, मतलब मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस मिलेगा। अब देखते हैं, अब देखते हैं गाड़ी में तो लगा चंडीगढ़ अम्बाला, आर्यन भाई खड़े हैं लिफ्ट लेने के लिए, लिफ्ट क्यों नहीं मिल रही। हमें शाहबाद से अम्बाला तक, अम्बाला से हम आगे चंडीगढ़ तक, चंडीगढ़ तक
150 किलो या 50 किलोमीटर? ओनली 50 किलोमीटर चंडीगढ़ बचा है यहाँ से। 5 minutes later वो लिफ्ट हमें मिल गई है चंडीगढ़ के लिए, तो ये मिल गई है। थोड़ा कर लो जल्दी मेरे को। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू वेरी मच अंकल जी, आपने दिया। डाल लेना तू, ये रहने दे, तू आइए रहने दिया, मैं लेता हूँ, तू आगे खड़ी हो। तो फाइनल गाइस एक अभी और अम्बाला से हमें चंडीगढ़ के लिए लिफ्ट मिल गई है, वो भी देखोगे तो आप भी चौंक जाओगे यार ये कैसे हो सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हमें इसमें लिफ्ट मिली है, देखो बहुत ही अमेजिंग है यार मजा। अरे ऊपर रख लियो ना, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, हाँ इधर आ जाओ। रहने से कोई दिक्कत नहीं है, अरे नहीं है। चंडीगढ़ आ चुके हैं फाइनली, और हम आए गए 35 किलोमीटर से ट्रैक्टर से आए हैं, ट्रैक्टर से बात आने वाली बात, ये ट्रैक्टर है देख सकते हो आप, ठीक है। और ये वीर जी हमारे, अरे वीर जी थैंक यू वेरी मच। तो वीर जी आपका नाम? रविंदर सिंह जी है। तो इन्होंने मुझे लिफ्ट दी वहाँ से, अला कैंट जो है वहाँ से हमें लिफ्ट मिली थी और चंडीगढ़ आ गए हम, ठीक है। तो 35 किलोमीटर है वहाँ से शायद मैक्सिमम है आप कर सकते हो, ठीक है। तो आएंगे जी, अभी देखो बहुत ही अच्छा लगा यार, बहुत ही अमेजिंग ट्रिप थी यार, हमने सोचा नहीं था कि यार ऐसा भी कोई एक्सपीरियंस हमें शेयर, मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ेगा आप सबसे, ठीक है। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, और ट्रैक्टर अब देख सकते किसान योजना वाला, किसान वाला यार बहुत ही मस्त लग रहा है यार ये ट्रैक्टर, और ये वीर जी मिले थे हमें यहाँ पे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और अभी हम चंडीगढ़ हाईवे रोड पे हैं गाइस, ठीक है। Few inches late. सिनेमा हॉल हो गया, मैकडी, बर्गर किंग, स्टारबक्स, बिल्डिंग एथनॉल, बॉक बॉक्स है। तो भाई साहब जो भी आपको कुछ भी लेना हो, अगर कोई रास्ते में कुछ चीज भूल गया है वो भी भाई ने बता दिया आपको, आपको वीडियो में मिल जाएगा। मैकडी, टोल कौन सा टोल है? ये टोल है भाई तुराड़ी का, तुराड़ी का, तुराड़ी 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 बंद है, सारे टोल तो बंद ही कर दिए, सबसे हो गया। रूपनगर तक मिली है, और हमारा हो गया देख सकते हो कि हम बारिश हो रही है, बारिश बहुत है यार। ये 15 साल हो गए रूपनगर तक, हमें अभी रूपनगर तक के लिए हमें लिफ्ट मिल गई है, उसके बाद जब देखेंगे हमें वहाँ से मिलती है।
हमारा एक कैपिटल हो चुका है, अब सेकंड कैपिटल है हमारा। पहले हमने दिल्ली से चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ से और अब जाएंगे हम श्रीनगर, ठीक है। तो श्रीनगर तक ये फिर हमने रूपनगर तक हमें लिफ्ट दी है, ठीक है। रूपनगर बोले तो कितने किलोमीटर है यहाँ से? किलोमीटर कितने जी? होगा 7-8 किलोमीटर। अच्छा, 7-8 किलोमीटर के हमें लिफ्ट मिली है। 7-8 किलोमीटर रूपनगर निकल के उतार दोगे या रूपनगर? मैं उतार दूंगा आपको जहाँ। चलो ठीक है, जहाँ पे जैसे पेट्रोल पंप हो या कोई व्हीकल्स हो वहाँ पे मिल जाए तो अच्छी बात है। अच्छा अच्छा हाँ जाता है। अच्छा, होशियारपुर को मुड़ता है लेफ्ट। देखे गाइस बाहर का व्यू, देखे बारिश वाला ट्रक पहली बार ही बैठे हुए। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश के मौसम में मज़ा आ गया सही में। इस तरह से इनका ट्रक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इनका ट्रक देखने में। ये चंडीगढ़ और पंजाब ना इतनी क्लीन है, साफ सुथरा है, बहुत सारा आगे हिल स्टेशन नहीं पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखिए भागड़ा नहरा क्या वाली दिख रहा है यार, मजा आ गया मौसम। और बारिश का मौसम झिमझिम बरसा पाएगा। क्या हुआ, हम गुरुद्वारे में स्टे कर रहे थे 2-1 दिन से, रात में कोई गाड़ी नहीं चल सकती, हमें तो नहीं पता कब बदला गया है, इसका नाम रूपनगर रख दिया। अभी हम रूपनगर में हाथ धोया और कुछ मैंने खा लिया ना, भूख लग रही थी तो क्या होगी, मैंने मूंगफली खा ली, मूंगफली खाने के बाद फिर मैंने पानी पी लिया तो मेरा गला बैठ गया। उसके बाद मेरा गला, मैं तो ओके हूँ, मेरा गला बैठ गया, मेरी आवाज़ थोड़ी वैसी मोटी मोटी आ रही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा, और थोड़ी खांसी भी हो गई है। ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा, गर्म चीज़ें खाओगे तो ठीक हो जाएगा। अरे फटाके गाइस, श्रीनगर जा रही है, ऐसे करना पड़ रहा है ट्रैवल में। वो भाई को देखो, उस भाई को देखो कैसे जंप कर रहा है, चल चल चल। अरे यार भाई, ये तो फट जाएगा पूरी। श्रीनगर छाता देखो भाई, छाता पूरा पैक कवर कर रहे हैं।